गुड मॉर्निंग बेटा, आर यू ओके? देखो, यस्टरडे सर आई टोल्ड यू अबाउट पास्ट टेंसेस की, जो हमने टेंसेस की सिंपल सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। क्लियर? कोई प्रॉब्लम थी आपको तो आपने भेजा नहीं, बट आप भेज सकते हो इन फ्यूचर भी, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए। क्लियर? तो देखो, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो हमारी, हमने बताया था कल के लेक्चर में, बताया था कल टुमारो लेक्चर में हम आपको इंपैरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे। इंपैरेटिव सेंटेंसेस की नरेशन के बारे में हम आपको बताएंगे, यही बताया था। तो देखो, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इंपैरेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखो, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हम आपको विद डेफिनेशन पहले भी रेगुलर क्लासेस में भी हमने करवाया था आपको, बट बेटा आपने किया या नहीं किया हमें नहीं पता, बट अभी आपने अच्छे से करना है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले मैं विद डेफिनेशन इंपैरेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस की रूपरेखा, स्ट्रक्चर, बनावट, व्हाट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट होता है इसका, ये सब बातें बताऊंगा। सबसे पहले इंपैरेटिव के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्यों? इंपैरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बी कॉल्ड रिवर्सिबल एंड ऑर्डरेबल होते हैं। क्लियर? मतलब जिन सर, मतलब जो हम बोल सकते हैं कि भाई प्रार्थनात्मक या आदेशात्मक जो सेंटेंस होते हैं उनको हम इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर? अब देखो, फॉर्मेट ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब आमतौर जनरली एक सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी, उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप, मतलब एवरी सेंटेंस विल बी अकॉर्डिंग दिस फॉर्मेशन। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? एक सेंटेंस की जो फॉर्म होती है, रूपरेखा होती है, वो इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होती है, बट यहाँ इंपैरेटिव सेंटेंसेस में इसके बिल्कुल अपोजिट इंपैरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर कैसा होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ आपको मिलेगा मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि मेन वर्ब भी आ सकती है, मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव, इस प्रकार से आपको ये अकॉर्डिंग दिस फॉर्मेशन ही, इसी रूपरेखा के अकॉर्डिंग आपको इंपैरेटिव सेंटेंस मिलेगा। तो देखो, इसमें और इसमें, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, क्यों? देखो, यहाँ जो टेंस का हम मतलब सामान्य सा सेंटेंस जब देखेंगे तो उसमें आपको ये करता है, सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, डूअर होता है, डूअर मीन्स क्या होता है, करता, हिंदी में इसको बोलते हैं करता, इट मीन्स काम करने वाला, एक्शन करने वाला। तो ये क्या हुई, ये हमारे पास टाइम शो करता है वर्ड, ये टाइम शो करता है, और टाइम को क्या बोलते हैं हम, टेंस बोलते हैं। चलिए, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा वर्ब इट मीन्स एक्शन है, और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं हम, पर्पस भी बोल सकते हैं। देखो, ये सारे वर्ड्स क्या शो करते हैं सेंटेंस में, मैंने सारी बातें आपके सामने लिखी हैं, मतलब एक जनरल से बिहेवियर में अगर मैं एक बात बताऊं तो आपको कि भाई एक ये फॉर्मेशन है, मतलब जैसा हम कार पढ़ते हैं हिंदी में कि भाई एक सब्जेक्ट हुआ, एक हेल्पिंग वर्ब हुई एंड मेन वर्ब एंड आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड, यहाँ ऑब्जेक्ट दूसरा भी हो सकता है, डबल ऑब्जेक्ट भी आपके सामने मिल सकती है। तो अगर मैं जनरली रूटीन के मतलब इजीली मैं आपको समझाऊं तो ये होगा
कि कर्ता ने इस समय में ये क्रिया की इस उद्देश्य के लिए। आई बात समझ में, इस कर्ता ने इस समय में ये एक्शन किया इस पर्पज के लिए। तो कर्ता ने कर्म को जो हम कारक पढ़ते हैं हिंदी में वही एक जनरल रिमेक सेंटेंस का करेक्ट फॉर्मेशन करेक्ट मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार से ये बनेगा। क्लियर? और इस फॉर्मेशन में जितने वर्ड आए वो सेंटेंस में क्या शो करते हैं वो मैंने सब कुछ आपके सामने डिटेल में लिख दिया। क्लियर? तो देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस की हमने यहाँ रूपरेखा फॉर्मेट बनाया आपके सामने। अकॉर्डिंग दिस फॉर्मेशन ही हमें इंपरेटिव सेंटेंस मिलता है। क्लियर? अब देखो बेटा, जैसे कि इस कुछ बच्चों के माइंड में ये बात है या नहीं है इंपरेटिव सेंटेंसेस की, जब मैंने एक लेक्चर दिया था अपनी रेगुलर क्लासेस के बाद क्लासेस में आपको एक लेक्चर में बताया था कि भाई टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस का लेक्चर मैंने आपको रेगुलरली भी दिया था और लास्ट लॉकडाउन में वीडियो के माध्यम से भी जो 45 मिनट्स की वीडियो मैंने दी थी उसमें भी टाइप ऑफ सेंटेंसेस का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया था। तो कहता है इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस में मैंने ना फाइव टाइप्स के सेंटेंस आपको बताए थे, जिसमें एक तो ये थे हमारे टेंसेस वाले असर्टिव, इंपरेटिव, अफर्मेटिव में अफर्मेटिव मैंने बताया था कि एक तो असर्टिव नेगेटिव, एक तो ठीक है, एक तो बताया अफर्मेटिव में, दूसरा बताया आपको इंटरोगेटिव, तीसरा बताया इंपरेटिव और चौथा बताया मैंने एक्सक्लेमेटरी और पांचवा बताया मैंने ऑब्जेक्टिव। ये पांच टाइप के सेंटेंस मैंने इसके दो पार्ट बताए थे, असर्टिव एंड सिंपल, वी कैन से सिंपल, एंड दूसरा टाइप इसका मैंने लगाया था नेगेटिव। देखो ये पांचों टाइप्स के सेंटेंस की नरेशन मैंने आपको पहले भी डुअल्स डायरेक्टेड के जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास में उसे मैंने बता दिया था, बट दोबारा हमने स्टार्टिंग में एक बार लॉकडाउन में बताया, इट मींस अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस में, दूसरी बार रेगुलर क्लासेस में, थर्ड टाइम ये वीडियो में इस जो ये हमारा टॉपिक थर्ड टाइम करवा रहा हूँ बेटा, थर्ड टाइम हमने जो क्लास में शुरू किया था रेगुलर में और जो हमारा काम बच गया था वो मैं यहाँ आपको इन वीडियोज के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। क्लियर? आई बात समझ में? तो देखो अभी हम ऑब्जेक्टिव पे आए हैं तो ऑब्जेक्टिव को मैं अभी आपके सामने करवा रहा हूँ। कैसे हाउ विजन सेज इनडायरेक्ट ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? इंपैरेटिव सेंटेंसेस की हम कैसे नरेशन चेंज करेंगे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटरली कि भाई व्हाट इज इंपैरेटिव सेंटेंस। जो मैंने जो टाइप बताए थे वो इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में थे। देखो अब इंपैरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं इंपैरेटिव सेंटेंस मैंने बताया इसका मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मोस्टली अकॉर्डिंग दिस, या हो सकता है कि मेन वर्ब भी आपके सामने मिले, मेन वर्ब मिलेगी या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा आपके सामने। क्लियर? जैसे कि इन अकॉर्डिंग दिस फॉर्मेशन, जैसे कि मैं लिखूं ओपन द डोर, सिट डाउन, ये दो सेंटेंस मैंने लिखे। देखो यहाँ ओपन वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ वर्ब है, ऑब्जेक्ट एंड यहाँ क्या है, ये वर्ब है ओनली। क्लियर? तो इस प्रकार से ये अकॉर्डिंग दिस स्ट्रक्चर द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्म ऑफ सेंटेंस इस प्रकार से आपको मिलेंगे। देखो अब इनके हम पेशियों कैसे चेंज करेंगे, सॉरी नरेशन कैसे चेंज करेंगे। देखो हमने बताया था कि भाई इंपैरेटिव सेंटेंसेस में इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हम छह प्रकार से छह वर्ड्स ऐसे हैं जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं। इट मींस जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो बेटा देखो नंबर एक कि भाई हमने कुछ इंपैरेटिव सेंटेंस का जो हम यूज करेंगे जिनका एक्सप्रेशन होगा उनको बोलते हैं मैनर ऑफ द सेंटेंस, मैनर ऑफ द सेंटेंसेस। मैनर मीन्स क्या होता है, इट मीन्स मैं लिखूं एक्सप्रेशन,
एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है, मीनिंग, भाव, और इन दोनों का मतलब जो बनेगा वो बनेगा भाव या अर्थ। भाव, भाव या अर्थ, एक्सप्रेशन या मीनिंग के लिए। तो देखो अब ये मैनर या सेंस ऑफ द सेंटेंस, इट मीन्स या सेंस भी कर सकते हैं हम, सेंस या मैनर या एक्सप्रेशन या मीनिंग ऑफ द सेंटेंस क्या होते हैं। इट मीन्स ये सारी बातें जो थी एक दूसरे टॉपिक के ऊपर डिपेंड होती है बेटा, सारी बातें। अभी मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में इन्वॉल्वमेंट करूं तो आप थोड़े से उलझ जाओगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बताऊंगा मैं। देखो इसके अलावा एक टॉपिक हमने दिया था मॉडल्स, याद है शायद रामानुजन में मैंने कंप्लीट करवाया था, और रमन ने स्टार्ट ही करवाया होगा शायद इन रेगुलर क्लासेस में, जो रामानुजन सेक्शन था हमारा उसमें शायद मैंने कंप्लीट कर दिया लगभग मोस्टली। तो यहाँ मॉडल्स में क्या होता है, जो एक्सिलरीज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरीज वर्ब्स हमारी होती हैं, उनका यूज हम करते हैं, उनका यूज अकॉर्डिंग सेंस ऑफ सेंटेंस ही होता है। क्लियर? जैसे कि सेंस ऑफ द सेंटेंस क्या होता है बताता हूँ। देखो अकॉर्डिंग एक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या था कि भाई एक सेंटेंस मैंने यहां लिखा, आई ब्लैंक रीड न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेस, ये लिख दिया मैंने भाई, और इस सेंटेंस के आगे ब्रैकेट लिख दिया एबिलिटी, एबिलिटी लिख दिया मैंने। आई बात समझ में? देखो अब इस सेंटेंस को, ये जो हमारा सेंटेंस है इसको आप आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि भाई सेंटेंस की सेंस क्या है, सेंटेंस का एक्सप्रेशन क्या है। इस सेंटेंस को देखा और इस सेंटेंस का एक्सप्रेशन क्या देखा, एबिलिटी है। इट मीन्स एबिलिटी इज डायरेक्टली, ये जो सेंस ऑफ द सेंटेंस डायरेक्ट हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रही है। ये एबिलिटी किसकी थी, इस पर्सन की थी, और ये पर्सन क्या है सेंटेंस में, डूअर है, एक्शन करने वाला है, सब्जेक्ट है सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस की डायरेक्ट, इस सब्जेक्ट की डायरेक्ट सेंस ऑफ द सेंटेंस, एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस, मैनर ऑफ द सेंटेंस के ऊपर कमांड होती है। तो कहते हैं यहाँ एबिलिटी जो है, ये एबिलिटी बताती है कि इस ब्लैंक में, यहाँ जो ब्लैंक था हमारा, इस ब्लैंक में अकॉर्डिंग दिस एबिलिटी दिस सेंस ऑफ द सेंटेंस विच वर्ब टू बी फिल्ड, कि भाई कौन सी वर्ब यहाँ भरी जाएगी, ये बात ये सेंस ऑफ द सेंटेंस बता रहा है। क्लियर? तो ये होता है सेंस ऑफ द सेंटेंस, इसके अकॉर्डिंग यहाँ हमने कैन फिल अप कर दिया। आगे बात समझ में? तो ये कैन ही जो है, इस कैन का रिलेशन डायरेक्ट यहाँ है, क्योंकि इस पर्सन के साथ केवल यही एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरीज वर्ब है जो सेंस ऑफ द सेंटेंस ये बताती है। अगर आपके आपने यहाँ मस्ट यूज कर दिया, मे यूज कर दिया, कुड यूज कर दिया, वुड कर दिया, और बाकी की जो ट्वेल्व बची हुई है रेस्ट ऑफ ट्वेल्व एक्सिलरीज वर्ब्स, वो सारी बातें आई के साथ कुछ दूसरी बात शो करेगी, बट ये सेंस ऑफ द सेंटेंस तो केवल और केवल कैन के साथ ही आई शो कर सकते हैं। तो ये होता है सेंस ऑफ द सेंटेंस। आई बात समझ में? तो देखो यहां भी हमने आपको बताया कि भाई छह प्रकार से हम सेंस ऑफ द सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हम सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब सबसे पहली बात, वो छह एक्सप्रेशंस कौन से हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस शो करता है। कहता है इंपेरेटिव सेंटेंस से वो छह एक्सप्रेशंस कौन से हैं जो बताते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, देखो एक तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, क्लियर। दो नंबर पे मैंने लिखा, एक तो रिक्वेस्ट, दूसरी पे मैंने डाला एडवाइस, तीसरे पे मैंने लिखा सजेशन, सजेस्ट, चौथे पे लिखा ऑर्डर, ठीक है, पांचवे पे लिखा मैंने प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट, और नेक्स्ट लिखा मैंने रिक्वेस्ट, हो गया एडवाइस, सजेस्ट, ऑर्डर एंड प्रोहिब एंड फॉरबिड,
फॉरबिड फॉरबिड ये लिख दी गई। ये छह एक्सप्रेशंस मैंने लिखे देखो। अब ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये नेगेटिविटी शो करते हैं बेटा, नेगेटिविटी। ये दो वर्ड ऐसे हैं प्रोहिबिट और फॉरबिड, ये जो वर्ड है ये नेगेटिविटी शो करते हैं सेंटेंस में, नकारात्मकता। इट मीन्स जो एक सेंटेंस पर मैंने यहां ये लिखा हूं मदर डॉग, ठीक है, एक मैंने लिखा डोंट वेस्ट योर टाइम, या फिर मैंने लिखा सोर्सा लिखू मैं एक आपके सामने कि भाई डोंट साउट, डोंट साउट फुल स्टॉप। देखो ये दो तीन सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे, ये सेंटेंस क्या था, ये सिंपल सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्या था, ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी शो करने वाले सेंटेंसेस के साथ जो एक्सप्रेशन आएगा दैट्स नेचुरल कि उसकी एक्सप्रेशंस भी क्या होगी, नेगेटिव में होगी। सेंटेंस का भाव क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगी, विद नेगेटिविटी नेगेटिव होगी। तो नेगेटिविटी के लिए हम डायरेक्ट ही जो चेंज करेंगे तो फॉरबिड या फिर बेटा प्रोहिबिट वर्ड यूज करेंगे, और नोट को मतलब इसको नेगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन या वॉइस चेंज करने के अलग तरीके हैं, बट सिस्टम तो वही है, बट वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, उन नेगेटिविटी से ही हम इन सेंटेंसेस को चेंज कर देते हैं। आगे बात समझ में, तो देखो अब हम इनको नरेशन करते हैं। इसका एक बात हो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट इंपेरेटिव सेंटेंस की जो नरेशन में या फिर वॉइस में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें होती है वो क्या होता है। एक देखो यहां मैंने बताया मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मेट ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए। जब इसका डायरेक्ट से एक सेंटेंस में लिखूं यहां जैसे कि भाई ही सेड टू मी, के लिए डोंट साउट सो लाउडली, ये कर देते हैं। ये सेंटेंस मैंने लिखा, देखो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, यहां से टू है के लिए। तो देखो यहां हम ड्यूरिंग इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सेंटेंस है, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नेगेटिविटी के साथ मतलब ये छोड़ दो आप इसको, लेकिन हम यहां इंपेरेटिव डायरेक्ट सेंटेंस से डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहां हम एक सेंटेंस कंजंक्शन यूज करते थे बेटा, यहां कंजंक्शन यूज करते थे, कंजंक्शन यूज करते थे ना, तो यहां हमने यहां सेंटेंस कंजंक्शन यूज किया दैट किया इफ किया या डब्लस फैमिली का कोई भी एनी वर्ड वेदर लगाया व्हेन व्हाट वेयर व्हाई हु, ये सब ऐसे सेंटेंस कंजंक्शन सेंटेंस में हम लगाते हैं ड्यूरिंग इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाते समय लगाते हैं बेटा, ठीक है। तो लेकिन अब बात जो सबसे डिफरेंशिएट करने वाली बात है जो है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने फॉर्मेट आपके सामने ये लिखा है, मेन वर्ब भी हो सकती है। अब ये मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब की तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई सी फॉर्म भी हो सकती है, बट यहां तो केवल और केवल बेटा प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां हमारे पास हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यहां हमारे पास प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म आएगी साउट के लिए। जब इसका यूज जब इनडायरेक्ट में करेंगे तब क्या करेंगे, सबसे मेन बात ये है। तो यहां कंजंक्शन के रूप में केवल और केवल क्या लगाना है, आपने टू लगाना है। क्यों, अब देखो यहां टू लगाने का भी एक तरीका है, एक ग्रामर रूल है कि भाई यहां टू क्यों लगा है, और इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है भाई जहां दैट के या इफ के या डब्ल्यू फैमिली के वर्ड के साथ हम टू लगा रहे हैं, इसका एक दैट स्पेशल रीजन है। क्यों, देखो ये जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस बचा ये हमारे मेन वर्ड है, ठीक है। अब इस टू के साथ ये तो ये वर्ड तो ऑटोमेटिक यहां से फिनिश हो जाएगा, ये यहां जो सेव टू के सामने जो वर्ड रिप्लेस करेंगे हम वो इसके अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि नेगेटिव था यहां नेगेटिविटी ऑलरेडी शो हो गई है, क्लियर। तो देखो यहां टू के बाद में यहां मेन वर्ब आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर मान लो आपने यहां दैट यूज कर दिया, सपोज करो दैट लगा दिया आपने, तो दैट के बाद में तो नेचुरली वी शुड चेंज
द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस टेंस कि भाई जब दैट लगाया तो इस सेंटेंस के टेंस को भी चेंज करेंगे हम, लेकिन अगर हमने इस सेंटेंस के टेंस में चेंजमेंट कर दिया, एक मिनट सपोज करो कि भाई यहां आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, साउट का अगर आपने यहां साउटेड कर दिया, दैट साउटेड कर दिया, क्या अब ये इंपैरेटिव सेंटेंस रहा? नो नेवर, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस तो केवल और केवल स्टार्ट होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इट मींस बेयर इंफिनिटी से स्टार्ट होगा बेटा। और जब इसके साथ जब टू लगा दिया हमने, ऑलवेज माइंड इट, जब ये इंपैरेटिव सेंटेंस में तो कोई चेंजमेंट करना ही नहीं हमने, तो इस दैट के दैट से तो होएगा चेंजमेंट, लेकिन जब टू लगा दिया आपने तो टू के साथ तो हमेशा ही क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, बेर इन्फिनिटी आता है, और अभी फर्स्ट फॉर्म आती है। और देखो अब ये टू के साथ, टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि टू के साथ हमेशा है, ऑलवेज एंड एवर इज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके बाद में जो इसका ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखो यहाँ इंपैरेटिव सेंटेंस पर वर्ब नहीं आ जाएगी, सेम ऊपर साउट था, नीचे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी है, ओपन है तो ओपन आ जाएगी, साउट है तो साउट है, सीट है तो सीट आ जाएगी, जो भी है वेस्ट है तो वेस्ट आ जाएगी, जो भी वर्ब हमारी है टू सेंटेंस कंजंक्शन लगाने के बाद में उसके साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसलिए हम टू लगा दें ताकि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में कोई भी चेंजमेंट ना हो। आई बात समझ में कि दैट इफ डब्लस फैमिली के वर्ड की जगह हमें की जगह हम टू क्यों यूज करते हैं, ये था टू लगाने का रीजन, टू लगाने का मोटो हमारा यहाँ क्या था, कोडिंग ग्रामर रूल, आगे बात समझ में। तो ये था टू का, अब इसको चेंज करेंगे। देखो इंपैरेटिव सेंटेंस सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन कैसे चेंज करेंगे हम, देखो ये हमने चार छह बताया सेंस ऑफ द सेंटेंस, छह के छह हम यूज, देखो कैसे अप्लाई करेंगे इनको हम, देखो बेटा फर्स्ट में मैंने लिखा ही सेड टू मी ओपन द डोर, ये लिख दिया एक सेंटेंस, ठीक है। अब देखो ये जो सेंटेंस है अकॉर्डिंग योर सेल्फ, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार सेंटेंस का एक्सप्रेशन देखो, यहां कोई मॉडल एक्सरसाइज फिलअप नहीं करनी आपने कि भाई इन ब्रैकेट आपको सेंस ऑफ द सेंटेंस मिले, नो नेवर, या तो केवल जो इंपैरेटिव सेंटेंस जो इनडायरेक्ट जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आया है उस स्पीच के सेंटेंस को आपने सेंसेस करना है, आपने देखना है कि भाई इस सेंटेंस का सेंस क्या हो सकता है। तो देखो ओपन द डोर इट मींस हम यहां किसी से ऑर्डर कर सकते हैं, हो सकता है कि यहां ही जो है यहां ही के स्थान पे ही आ जाए कि कमांडर, द कमांडर, इट मींस ये ही कोई सीनियर पर्सन हो, ये सीनियर पर्सन हो, सीनियर पर्सन तो जूनियर को रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा, एडवाइस नहीं करेगा, मतलब वो तो केवल कमांडिंग करेगा, तो यहाँ ऑर्डर आ जाएगा, कमांड आ जाएगी, क्लियर। तो लेकिन यहाँ कोई ये ही जो है ये इस बात को ये एक्सप्रेस थोड़ी ना कर रहा है कि भाई ये ही सीनियर है जूनियर है, तो अकॉर्डिंग दिस इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम केवल केवल इसको इसकी सेंस के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे बेटा, आई बात समझ में। तो देखो आप इसकी सेंस को क्या लेते हो, अकॉर्डिंग योर सेल्फ वही वर्ड हम यहाँ यूज कर देंगे, ये पास्ट में था, इसका मतलब ये हुआ ये जो मेन इंपैरेटिव नरेशन में इसकी मेन भूमिका क्या रहेगी, शेयर और टू दोनों एक साथ ही, कि भाई ये वर्ड की सेकेंड फॉर्म है, जो भी सेंस हम यहाँ यूज करेंगे उसकी क्या लग जाएगी बेटा, और की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, इधर शेड टू की जगह हम रिप्लेस कर देंगे जो सेंस आएगी। मान लो हम एक सेंटेंस में यहाँ आपको बता रहा हूँ कि भाई इस सेंटेंस का मैंने यूज कर लिया सेंस या इसका एक्सप्रेशन रिक्वेस्ट में कर लिया, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई प्लीज ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दो, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दो, तो अगर प्लीज में ले रहा हूँ मैं प्लीज में ले रहा हूँ इसी सेंस को, ठीक है, और प्लीज वर्ड जो है आपका प्लीज वर्ड जो है वो क्या बात शो करता है, वो तो केवल रिक्वेस्ट ही शो करता है, रिक्वेस्ट ही शो करता है ना, तो जब यहाँ रिक्वेस्ट हमने सेंस ऑफ द सेंटेंस ली
तो यहां ये रिक्वेस्ट और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिक्वेस्टेड। तो यहां से का सेड, तो यहां रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो गया। दैट्स ऑल, भाई बात समझ में। तो इसका हम क्या कर देंगे, देखो ही रिक्वेस्टेड मी, हो गया, टू ओपन द डोर, फुल स्टॉप। देखो इस सेंटेंस, ये इंपरेटिव सेंटेंस का ऊपर वाला समझ में आया अच्छे से। नीचे हमने इसका, हमारी रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में थी, दैट्स क्लियर। अब इसका हमने इनडायरेक्ट बनाया डायरेक्ट से, कि भाई इसकी सेंस, इसकी सेंसेस, इसकी, इसके मैनर के अकॉर्डिंग इसको हमने चेंज कर दिया। रिक्वेस्टिंग सेंटेंस कंजक्शन दैट लगा दी, वहां टू लगा दिया, और टू के बाद में जो हमारा सेंटेंस था वो चेंज कर दिया। आगे बात समझ में, इसके पर्संस भी चेंज होंगे बेटा, ये नहीं कि इसमें कुछ चेंज नहीं करना, इसमें तो कोई पर्सन था ही नहीं। जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लिखू आपके सामने, नेगेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस कोड दे रहा हूं, देखो मैंने लिखा, देखो एक सिंपल वर्ड दे रहा हूं, माय मदर सेड टू मी वर्क हार्ड, ये सेंटेंस देखिए भाई। देखो अब जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा है वो इंपेरेटिव है, बताओ इंपेरेटिव है। वर्क क्या है, वर्ब है, जब मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा विदाउट सब्जेक्ट, मतलब दैट्स वी कैन कॉल, वी कैन कॉल एन इंपेरेटिव सेंटेंस, कह सकते हैं, है, कह नहीं सकते है, डेफिनेटली है बेटा। तो वर्क और प्लस हार्ड, ये तो हमारा तो वर्ब से शुरू है ना, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। देखो भाई, माय मदर सेड टू मी वर्क हार्ड, वर्क हार्ड माय मदर, मतलब अपने माता जी, मतलब इस सेंटेंस की सेंस आप किस में लोगे, एक मिनट इसके ऊपर सोचो, कंसीडर करो कि भाई इसमें इस सेंटेंस की सेंस होता सेंटेंस क्या हो सकती है। जो रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने लिखा ये वाला, इसकी सेंस क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू, आप सोचो एक बार, भाई माता जी हमें ऑर्डर देगी भाई हार्ड वर्क करो, या फिर सजेस्ट करेगी, या फिर एडवाइस देगी, या फिर ऑर्डर करेगी आप, या फिर हमें करने के लिए कॉम्पेयर करेगी पेरेंट्स हमारे, तो अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार ही आपने सेंस ऑफ द सेंटेंस का जो वर्ड आप यूज करो उसी वर्ड को यहाँ सेड टू के स्थान पे रिप्लेस कर देंगे, बसाते जो वर्ड आप यूज करो उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आई बात समझ गए, तो देखो ये सिंपल सेंटेंसेस की बता रहा हूँ बेटा, थोड़े से क्रिटिकल लगेंगे आपको, थोड़े से टिपिकल तो लगेंगे बट उतने ही आसान भी है। आई बात समझ गए, टिपिकल लगेगी बट उतने ही आसान है करने में, इंटरेस्ट आता है करने में सेंटेंसेस। तो देखो यहाँ ये जो हमारी माता जी केवल हमें सजेस्ट करती है कि बेटा पढ़ो, हार्ड वर्क करो, नहीं तो आप कामयाब नहीं होगे, मतलब केवल सुझाव देती है हमें, एडवाइस देती है हमें, सलाह देती है। तो यहाँ इसका सेंस मैं मेरे अकॉर्डिंग सजेस्ट कर लेता हूँ, एक मिनट सजेस्ट में मैंने मान लिया, तो यहाँ सेड टू के स्थान पे क्या लगा दूंगा मैं इसका बनाता हूँ माई मदर सजेस्टेड मी टू के लिए वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड ये बना दिया। देखो यहां टू लगा दिया और टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये इंपेरेटिव था, एज इट इज इंपेरेटिव का इंपेरेटिव रहा, इसकी सेंस के अकॉर्डिंग मैंने सजेस्ट लिया, सजेस्ट की सेकंड फॉर्म लगा दी और ये क्या हो गया भाई, सजेस्टेड। अब माय मदर सजेस्टेड मी टू वर्क हार्ड, या फिर एडवाइज करेंगे हम, एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। आई बात समझ में, तो ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सिंपल सेंटेंसेस थे बेटा ये। तो अब हम करवाते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस, जो फॉरबिड और प्रोहिबिटेड वर्ड्स, या फिर हमने डायरेक्ट नोट को यूज करेंगे कैसे, देखो आज इतना करो या फिर नेगेटिव इसके साथ ऐड कर दो, जैसा आपको अच्छा लगेगा। चलो आज हम केवल इस सिंपल सिंपल सेंटेंसेस की नरेशन चेंज करते हैं।
का नेगेटिव और अगला जो हमारा एक्सक्लेमेटरी आएगा उस दोनों को एक साथ करवाएंगे, क्लियर। नहीं तो आप एमसीए जो हमने असली सिंपल इंपेरेटिव करवाए हैं और जो नेगेटिव हम करवाने वाले हैं, नेगेटिव जो है इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दोगे, एक साथ कंबाइन करके तो उसका रूल उसमें जब आप एक दूसरे के अंदर डाल दोगे, मिक्सअप कर दोगे दोनों के रूल्स को बेटा, तो फिर काम अपना जो हम कर रहे हैं वो सब गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल आपने इसी को फोकस करना है, एक ही चैप्टर को एक वीडियो में एक ही टाइप करवाएंगे, नहीं तो इसमें तो केवल और केवल पाँच रूल्स और हैं नेगेटिविटी के, दो ही वर्ड्स को यूज करना है। आ रही बात समझ में? तो ये आपने अच्छे से करना है बेटा। जो आपके पास एक बुक हमारी जो हमने लगवाई थी ग्रामर की रिसेंटली, जो बुक हमारी उसमें लास्ट जो हमने ये लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस किए थे, लगभग 200 सोल्व किए थे हमने, क्लियर किए थे आपने सभी ने। मेरे पास कई बच्चों ने मेरे पास डेली करके 25 या 30 सेंटेंसेस को सोल्व करके मेरे पास कॉपी भी भेजी थी और मैंने चेक करके वापस दिया था उनको। आपने जो हमने कर ली उन सेंटेंसेस के अलावा आपने और सेंटेंस करने हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की भी, और जो लास्ट डे इटमीन यस्टरडे जो वीडियो दिया था, जो लेक्चर दिया था आपको, वो उस लेक्चर के अकॉर्डिंग जो आपने सोल्व किए और उसमें से आपने मतलब ये आप रूटीन बनाओ 25 सेंटेंस से 30 सेंटेंस ग्रामर की जब भी कोई वीडियो आती है तो उसके अकॉर्डिंग एक दिन में 25 से 30 सेंटेंस हम सोल्व करेंगे, क्लियर। प्रियांशी बेटा देख रहे हो ना, तो आपकी नोटबुक चेक नहीं हुई है, आप फोटो करके भेजना मेरे पास। तो ये इतने सेंटेंस आपने करना है, क्लियर। तो देखो ये समझ में आया, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर बेटा। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए सेंटेंस में तो यू कैन कैप्चर फोटो एंड सेंड मी, उस मेरे पास भेजो उसको और उसको कंफर्म करके आपको वापस बताऊंगा, क्लियर। ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस टाइप ऑफ सिंपल असर्टिव सेंटेंस का किस प्रकार से हम नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। आगे बात समझ में? थैंक्स, हैव अ गुड डे।